हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरत से लाई हूँ आपके लिए पोप नगरी का वीडियो। बहुत ही मज़ेदार जगह है फ्रेंड्स सूरत में। ये स्पेशली अरेंजमेंट किया जाता है पोप के सीज़न में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पोक वड़ा स्टॉल्स बहुत सारे लगे हुए हैं। एक साइड पोक वड़ा, नींबू मरी की सेव और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिलती है, और एक साइड है पोक जहाँ पे पोक को सेका जा रहा है। एक्चुअली जुवार के छोड़ रहते हैं छोटे छोटे, और वही जो रोप रहते हैं उसे गरम राख के अंदर, गरम रेती के अंदर सेका जा रहा है। तो पहले उसे रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद में वो ही जो रोप है उसके अंदर से निकाला जाता है दाना। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बहुत सारे पोक के रोप्स हैं, जो छोड़वा बोलते हैं वो। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर से दाना जो निकलता है वो कैसे निकलता है, कैसा दिखता है। तो एक बीज का मैं निकाल रही हूँ, और ऊपर से उसका छिलका जो है वो पूरा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स छिलका निकलने के बाद ग्रीन कलर का दाना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वीट और टेस्टी पोक ये है जो हमें खाने को मिलता है। जुआर का पोक बोला जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रीत है यहाँ पे पोक निकालने की। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी मशीन से पोक नहीं निकाला जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठ के एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के ऊपर एक साथ पोक को काठी से मारते हैं। एक थैली के अंदर, कॉटन की थैली के अंदर बहुत सारे रोप्स है उसे जमा करते हैं, रोस्ट करने के बाद वाले रोप्स, और फिर उसे काठी से मारते हैं ताकि उसके अंदर से पोक जो है वो पूरा इकट्ठा हो जाए थैली के अंदर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो पोक है वो बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है, शायद उसी की वजह से हमें इतना मीठा पोक खाने को मिलता है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसके अंदर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जोर से मारने से उसके अंदर से जो बीज है वो छूट के थैली के अंदर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने रिक्वेस्ट किया है ये भाई से, और वो हमें थोड़े पोक निकाल के दिखाएंगे कैसा दिख रहा है पोक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना सारा पोक जो है वो उन्होंने थैली के अंदर इकट्ठा कर लिया है। तो ऐसे ही सारा एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, और सच्ची में फ्रेंड्स जो पोक रोस्ट होने की स्मेल है ना, अमेजिंग होती है और बहुत ही टेम्पटिंग होती है, हमें बहुत ही मन हो जाता है पोक खाने का। इसलिए यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और यहाँ का एक विज़िट तो बनता ही है फ्रेंड्स। सूरत में गए और आप पोक नगरी नहीं गए तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा। नॉर्मली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये पोक नगरी स्टार्ट हो जाती है, और यही टाइम है जहाँ पे हम पोक एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक लेडी बैठे हैं जो पोक को साफ करते हैं। पोक को इकट्ठा किया जाता है थैली के अंदर, और थैली के अंदर से फिर इनको दिया जाता है, और ये ऊपर के छिलके और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जला हुआ पोक है वो साफ करके हमें एकदम ही क्लीन, एकदम ही नीट और एकदम मज़ेदार पोक खाने को मिलता है। पोक नींबू मरी की सेव, तीखी सेव, बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स खाने का। तीखी सेव और नींबू मरी का सेव बहुत ही तीखा रहता है, इसीलिए पोक के साथ साकरिया दाना जो मीठा वाला शुगर से बनाया हुआ रहता है वो मिक्स करके खाया जाता है। फ्रेंड्स ये मेरे बचपन की याद है, मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे बहुत ही मज़ा आया। आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिए।